हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो से हम रोलिंग मिल की कंप्लीट जानकारियों को देखेंगे। ये रोलिंग मिल किस तरह से काम करता है, रोलिंग मिल का टेक्निकल थ्योरी क्या होता है, रोलिंग मिल में कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको एक फ्लो के रूप में जाएगा, एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप के रूप में जाएगा, जो कि पहला स्टेप आज मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारा बिलेट से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने में जो भी ये फॉर्मूला लगता है, जो भी हमारा थ्योरी होता है, सारा कुछ को देखेंगे हमारे इस वीडियो में। इस चैनल पे हम आपको पिंचिंग बॉक्स से रिलेटेड भी वीडियो बताएंगे, हमारे हर एक स्टैंड में यूज होने वाले फॉर्मूला को बताएंगे और हर एक स्टैंड में बनने वाले साइज के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टेक्निकल थ्योरी है रोलिंग के, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि रोलिंग क्या होता है। तो रोलिंग हमारा एक तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम नंबर ऑफ रोल की मदद से किसी भी स्टॉक या बिलेट को उसके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल का मतलब हो गया बिलेट या स्टॉक, और फाइनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया जो चीज़ हमें चाहिए। यानी अगर हमको TMT बनाना है तो TMT में बदल सकते हैं रॉ मटेरियल को, अगर हमें प्लेट चाहिए तो प्लेट में बदल सकते हैं, अगर हमको कोयल चाहिए तो कोयल में बना सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस है रोलिंग, जिसकी मदद से हम फाइनल प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट। ये रोलिंग प्रोसेस काम कैसे करता है, उस चीज़ के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो रोलिंग मिल में हमारा जब ये हमारा बिलेट जो होता है, वो बिलेट हमारा किससे पास होगा, हमारा बिलेट रोल के बीच से पास होता है। और ये जो दो रोल होता है, दो रोल के बीच से पास होता है, ये दोनों रोल का स्पीड हमेशा समान होना चाहिए। और स्पीड समान होने के साथ साथ हमारा जो रोटेशन होगा रोल का, एक घड़ी के डायरेक्शन में होना चाहिए तो दूसरा घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूमेगा तो एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा बिलेट उससे आसानी से होके पास होगा। ये पहला कंडीशन है प्रोसेस का, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा जो रोल के गैप का, रोल के बीच का जो गैप होगा वो हमारा कम होना चाहिए हमारे बिलेट के साइज से, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारा जब बिलेट रोल से पास होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले रोल उसका थिकनेस को ग्रिप करेगा, रोल ग्रिप द बिलेट, यानी बिलेट को क्या करेगा, ग्रिप करेगा, जिसके चलते हमारा क्या होगा, बिलेट का थिकनेस कम हो जाएगा। बिलेट के थिकनेस कम होने के चलते हमारा क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा। बिलेट का जैसे ही लेंथ बढ़ेगा, उसी समय हो सकता है कि हमारा एरिया बढ़ जाए, हमारा बिलेट का विथ पढ़ने के चलते, चौड़ाई बढ़ने के चलते हमारा क्या होगा, एरिया बढ़ सकता है, जिसका कैलकुलेशन होता है। और मैं इसका कैलकुलेशन के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस रोलिंग प्रोसेस वो मेनली क्या, किस पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि जिस रोल से हमारा पास होगा वो मिनिमम दो रोल होना चाहिए, और दोनों रोल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एक होना चाहिए तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, रोल के बीच का जो गैप होगा, वो हमारा बिलेट के साइज से कम होना चाहिए, ताकि उससे जब पास हो जाए तो उसका थिकनेस कम हो जाए और लेंथ बढ़ जाए, ताकि एलोंगेशन आए। और ये कितना बढ़ेगा इसके बीच, इसका कैलकुलेशन होता है जो मैं अभी करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन को देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे जब हमारा रोल से होके ब्लेड पास होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ का कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ब्लेड है, ये हमारा ब्लेड है, ये ब्लेड का हम साइज मान लेते हैं ना। हम लोग रफिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, रफिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि ये हमारा रफिंग है, रफिंग है, रफिंग से हमारा माल पास हुआ जिसका साइज कितना है, 100 का, 100x100 का क्या है हमारा, रफिंग से ब्लेड पास हुआ, ब्लेड का साइज है 100x100 जो पास हुआ हमारा रफिंग से। रफिंग से फाइनल बन के हमारा कितना निकला, 50x50 का, कितना बन के निकला, 50x50 का, यानी स्क्वायर बन के निकलता है। जैसा कि आपको पता है कि रफिंग से हमारा जो माल निकलता है फर्स्ट बार 5 पास के बाद, वो क्या निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। तो देखिए यहाँ पे आपका वेरी हो जाता है, हर स्टैंड हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं पे 49 भी निकलता है, 48 भी निकल सकता है, 52 भी निकल सकता है, लेकिन जेनरली हमारे ज़्यादातर
50 का स्क्वायर निकलता है। तो देखिए हमारा जब 100 का माल हमारा रफिंग से होके पास हुआ तो वो फाइनल प्रोडक्ट, रफिंग का फाइनल प्रोडक्ट हमारा कितना का है, 50 का स्क्वायर है। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये कितना लंबा हो सकता है, और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा रफिंग के बाद अगला जो स्टैंड बैठता है इसी कि हम अगला स्टैंड कितना दूरी पे बनाएंगे, कितना दूरी पे अगला स्टैंड होगा, क्योंकि हमारा जो रफिंग माल होता है वो माल रफ करके आगे बढ़ाता है ना। तो इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा सबसे पहले हम लो बताए थे, लो ऑफ रोलिंग मिल हम बताए थे कि हमारा जितना प्रोडक्ट होगा बिलेट का जो साइज होगा वो टोटल का टोटल प्रोडक्ट बना के देगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो लास्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसका वॉल्यूम, यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ के वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर हम एक मीटर का, अगर हम एक मीटर का बिलेट को पास कराते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मीटर का अगर हम बिलेट को पास कराते हैं इससे होके, तो ये किधर कितना लंबा बिलेट निकलेगा 50 का, वो हम कैलकुलेशन करते हैं, है कि नहीं। तो हमारा मान लेते हैं कि हमारा लंबाई भी हमारा कितना है, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा जो इंटर होगा बिलेट उसका साइज है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो हमारा उतना ही माल बन के निकलेगा, अरे हमारा माल भी तो उतना ही बन के निकलेगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम L इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं बड़ा में, इसको हम छोटा में लेते हैं, इसको बड़ा में लेते हैं, क्योंकि हमारा जो माल बनेगा ये हमारा ये बिलेट है, इसे हमारा इस तरह का माल बनेगा स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इसका हमारा जहाँ पे L, इसका L हमारा कितना दिया है, इसका L हमारा दिया है 100, इनका दिया कितना 100, और इसका लेंथ जो दिया है लेंथ को हम एच लिखे हैं ना, ये एल हमको लिखे हैं, ये हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा है इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक हम एल माने हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ बी माने हैं, और इसको लंबाई को हम हाइट मान लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम क्या मान लिए, एच मान लिए एच। ठीक उसी तरह इसका क्रॉस सेक्शन जो बनेगा यहाँ पे, इसका यहाँ से यहाँ एल हम इसको माने, इसको बी माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बनेगा इसको एच माने हैं ना। तो इसका हमारा जो वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू जो हमारा दिया है वो दिया है एक मीटर का, यानी 1000 mm हो गया। ठीक उसी तरह हमारा जो रफिंग का जो प्रोडक्ट बन के निकलता है वो 50 का निकलता है। तो हमारा जो एल है, देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जेन्युइन है कि आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं है। यहाँ पे एल का मान 50 है, क्योंकि हमारा जो माल बनेगा 50 का स्क्वायर बनेगा, तो बी भी हमारा कितना का होगा 50 का, लेकिन हमको हाइट पता नहीं है कितना लंबा बनेगा, है कि नहीं। तो हमको इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। अगर आपको एच निकालना है, एच अगर निकालना है तो करना क्या है कि एल इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाय एल इंटू बी कर देना है। मतलब अगर हमारा रफिंग से एक मीटर का बिलेट, जो हम एग्जांपल लिए ज़्यादातर 3 मीटर 2.5 मीटर जो भी चलता है आपके हिसाब से कर लेना है, हम एग्जांपल लिए हैं कि एक मीटर का अगर बिलेट है जिसका साइज 100 × 100 का स्क्वायर, वो हमारा रफिंग से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 5 पास के बाद क्या बनेगा 50 × 50 का बनेगा, वो कितना लंबा बनेगा हम जैसा कि बताए थे उसका कैलकुलेशन होता है। हर चीज़ का कैलकुलेशन हम साथ ही साथ लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए हमारा पे यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका 100 × 100 × 1000 हो गया, और डिवाइड हमको कितना से करना है 50 × 50 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 बचेगा, यहाँ इसे भी करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 2 = 4 मीटर, यानी 4 मीटर का बनेगा। जब हमारा 1 मीटर का क्या लेके चलेंगे, यानी 4000 mm का बनेगा, अगर हम 1 मीटर का लेके चलेंगे तो 4 मीटर बनेगा। 1 मीटर का अगर हमारा माल पास होता है तो 4 मीटर का माल बनेगा, कब, जब हमारा माल हमारा 1 मीटर का रफिंग से 100 × 100 का पास हो तो 4 मीटर का ये बन के निकलेगा। अगर 3 मीटर का यूज करेंगे तो 12 मीटर बनेगा। ये कैलकुलेशन अपने बिल के हिसाब से आप कर लें, ये कैलकुलेशन हमारा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मुझे लगता है कि आपको रफिंग तक की हर एक बात आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमारा बिलेट एंट्री करता है और किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है और उसकी लंबाई क्या होती है। ठीक है, मैं हर एक स्टैंड में इसी तरह का
प्रोसेस में बताऊंगा ताकि आपको रोलिंग मिल का हर एक चीज पता चल सके कि कहाँ पे कितना माल बनेगा, किस तरह का साइज बनेगा और कितना लंबाई का होगा, कितना एलोंगेशन होगा, टेंशन वगैरह क्या रखना है।